नमस्ते मित्रों एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। मैं कार्तिक रावल, मैनेजिंग डायरेक्टर एसएसके भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज, आप सबका आज के इस प्रेजेंटेशन में एमएसएस न्यू सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप इस विषय को जानने समझने के लिए हार्दिक हार्दिक और हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सब ये जानना और समझना चाहते हो कि एमसीएल क्या है, एमसीएल का स्टार्टअप क्या है, एमसीएल सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप क्या है, एमसीएल किस तरह से काम करता है, एमसीएल के बिजनेसेस क्या है, क्या हम एमसीएल से जुड़ सकते हैं क्या, और जुड़ के हम क्या अच्छा कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारी धरती माता के लिए और हमारे अपने खुद के परिवार के लिए। तो मित्रों, इन्हीं सारे विषयों को आपको बताने के लिए आज के इस प्रेजेंटेशन का आयोजन किया गया है। तो मैं आपको सारी बातें बहुत अच्छे से बताऊंगा, जिससे कि आपको पूर्ण मार्गदर्शन मिले कि आप एमसीएल के साथ जुड़ के अपना भविष्य, अपना कैरियर किस तरह से उज्जवल कर सकते हो, और उसी के साथ साथ देश की सेवा, धरती माता की सेवा कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मेरे खुद के साथ। मेरा नाम कार्तिक रावल, मैं एसएसके भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। बाय एजुकेशन मैं एमकॉम एमबीए हूँ, कंप्यूटर्स डिप्लोमा फॉर सीडेक, मल्टीमीडिया डिप्लोमा फ्रॉम सीडेक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांद्रा से साउंड रिकॉर्डिस्ट। बाय हॉबी आई एम अ म्यूजिशियन, और अनेक प्रकार की डिग्री, अनेक प्रकार का अभ्यास मैंने किया है। मेरा जो ओरिजिनल बिजनेस है, दैट इज रियल एस्टेट। मैं 16 साल की उम्र से रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़ा हूँ एज ए एस्टेट एजेंट। जब मेरे यहाँ पे मेरी उम्र के लोग क्रिकेट खेलते थे गली में, तब मैं बिजनेस करता था और क्रिकेट भी खेलता था। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। 24 साल की उम्र में मैंने अपने आप को एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिल्डर एस्टाब्लिश किया और बहुत सारा काम किया, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। उसी दरमियान मेरे मित्र, मेरे गुरु और जिस व्यक्ति के कारण मैं एमसीएल में आया, उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि आप एमसीएल से जुड़ो, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। बट हम बिल्डर लोगों का है ना, थोड़ा दिमाग में भूसा भरा होता है, क्योंकि आया तो भी बड़ा, गया तो भी बड़ा, तो हम जल्दी सुनते नहीं किसी का। बट फिर भी सर ने मुझे 2-3 बार बताया, तो मैंने बोला मेरे मित्र है, ऊपर से मेरे गुरु समान है और एडवोकेट हाईकोर्ट है, तो इनको ना बोलना ठीक नहीं है, चलो जाते हैं, सुनते हैं, ना बोलते हैं और भूल जाते हैं। तो ना बोलने के उद्देश्य से मैं पहली बार एमसीएल का सेमिनार सुनने गया। मगर सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर को, कि जिनके कारण मैं एमसीएल परिवार का हिस्सा बना। और उसी के साथ साथ उस व्यक्ति को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के कारण एमसीएल का पूरा सिस्टम खड़ा हुआ, और जिस व्यक्ति को मैंने पहली बार सुना और जब से सुना तब से उस परिवार का, एमसीएल परिवार का मैं हिस्सा हो गया। वो व्यक्ति और कोई नहीं, एमसीएल के सर्वे सर्वा डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर है। मित्रों, मैं जब आया एमसीएल में, तब एक बिगिनिंग स्टेज था, कुछ भी नहीं था। वहां से हमारी जर्नी की हमने शुरुआत की। दिवाली 2017, ये वो समय है जब मैं एमसीएल परिवार से जुड़ा था। इस दिवाली मुझे एमसीएल परिवार के साथ पूरे 6 साल हो जाएंगे, और इस 6 साल की जर्नी में मैंने, मेरे साथ हमारे एमसीएल के बाकी नेशनल सीनियर कंसल्टेंट जो है, हमारे बहुत सारे सीनियर बीडीए है, इन लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे संघर्ष देखे, बहुत सारी कठिनाइयां देखी। बहुत लोग हमारे साथ रहे, कुछ लोग किसी न किसी कारणवश हमसे दूर हो गए, मगर हमने एक बात ठानी हुई थी, कुछ भी हो अच्छा करना है और आगे बढ़ना है। और आज एमसीएल परिवार में एस एस के भारत ग्रुप का अपना एक मुकाम है। आज हमारे पूरे देश में 22 राज्यों में, 350 जिलों में, 700 तहसीलों में, 5,000 MVP और 25 लाख किसानों का हमारा नेटवर्क है। मगर एमसीएल का नेटवर्क इससे कई गुना बड़ा है, और आज मैं आपको एक एक करके सब बताऊंगा कि किस तरह से हम एमसीएल के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण विषय मैं बताऊंगा आपको।
जिस व्यक्ति की प्रेरणा से हम ये काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और एक आदर्श व्यक्ति, ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ये एमसीएल का प्रेरणा स्रोत है। यहां से हमको प्रेरणा मिलती है और उनकी सोच को ही एमसीएल ने, डॉक्टर श्याम सर ने, प्राची मैम ने, लवेश सर ने आगे बढ़ाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक कोट है, वो कहते हैं, ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन, बट ईगल एवॉइड रेन बाई फ्लाइंग अबोव द क्लाउड्स। प्रॉब्लम्स आर कॉमन बट एटीट्यूड मेक्स द डिफरेंट। मतलब क्या? मतलब ये कि जब तूफान आता है, बारिश आती है, तो सारे पंछी अपने घरों में जाके छुप जाते हैं, मगर एक पंछी होता है जिसे हम कहते हैं बाज, ये बादलों के ऊपर उड़ते हुए अपनी उड़ान जारी रखता है। तो जीवन में सबके समस्या आती है, सबके चैलेंजेस आती है। एमसीएल की जर्नी में भी समस्या आई, चैलेंजेस आई, मगर आपका जो नजरिया होता है ना, वो उसे अलग बनाता है। और वही काम हमने किया और आप लोग भी वही सोच के साथ हो, इसलिए आज आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो। मित्रों, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। मित्रों, आज वैश्विक उष्णता में बढ़ोतरी हो रही है। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि वैश्विक उष्णता में सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर की अगर बढ़ोतरी हो गई, तो हम ऐसे कालखंड में चले जाएंगे जहां से वापस आना नामुमकिन होगा और धीरे 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 समूची सृष्टि का विनाश होगा। और अगर इससे बचना है तो हमको गर्मी को बढ़ने से रोकना होगा। तो ये कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको उसके प्रमुख कारण को रोकना होगा, जो है आज का जीवाश्म ईंधन यानी फॉसाइल फ्यूल, जिसमें पेट्रोल डीजल के साथ साथ सबसे बड़ा जो कारण है वो है कोयला। अगर हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे ना, तो ये हम रोक ही नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी बातें कर ले, कितने भी कॉन्फ्रेंस कर ले, मगर इसे रोकना ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रुका तो कहीं सूखा गिरता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं पे और समस्याएं होती है, और ये सब कारणों से पूरी सृष्टि डिस्टर्ब रहती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का समस्या का समाधान करना ये आज के समय में, युग में पूरी धरती के लिए जरूरी है। दूसरी, अगर मैं बात करूं भारत देश की, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है मित्रों ये, और हमारा देश किसानों से चलता है। माता अन्नपूर्णा का अगर कोई पुत्र है तो मेरे किसान है। जब वो खेतों में मेहनत करते हैं ना, तब हमारा पेट भरता है, नहीं तो खाने को दाना भी ना मिले, चाहे अरबों खरबों रुपये के ना हो। सबसे पहले तो मैं इन सारे मेरे किसान भाइयों को, माता और बहनों को वंदन करता हूं और नमन करता हूं मित्रों। मगर एक और हकीकत है, हमारे किसानों की समस्या बहुत गहरी है। अगर ज्यादा क्रॉप अच्छा आ जाए तो भाव नहीं मिलता है, कभी सूखा गिरता है, कभी बाढ़ आती है, और धीरे धीरे वो कर्ज के कुचक्र में फंसते हैं, और जब कहीं से आधार नहीं मिलता तो मेरा वो किसान भाई अंतिम यात्रा की तरफ जाता है, वो करता है सुसाइड। ऐसे किसानों की समस्याओं को भी सुलझाना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ एक बड़ी समस्या हमारे देश की है, भारत की, वो है रोजगार। सरकारें कोई भी आए, कोई भी जाए, मगर यह समस्या आज भी है, पहले भी थी। तो इसको क्या करें? क्योंकि हम 142 करोड़ का देश है आज, करोड़ों बच्चे हर साल डिग्री लेके बाहर आते हैं, क्या हमारे पास इतने जॉब है? नहीं है ना। तो क्या ऐसा करें हम कि जिसके कारण हर व्यक्ति को, हर युवा को रोजगार मिले? और कितना अच्छा हो अगर वो रोजगार उनको उनके अपने गांवों में, तहसील में मिल जाए, उनको कहीं जाना ही ना पड़े। जैसे हमने कोरोना में देखा था, लोग चल चल के अपने गांव की ओर गए थे। तो ये भी हमको करना है मित्रों। और इसी के साथ साथ और एक चीज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मित्रों भारत एक समृद्ध शक्तिशाली देश था, मगर कब तक? जब तक अंग्रेजों ने भारत में आक्रमण, पहले तो आए बिजनेस के लिए, मगर उनकी वृत्ति, उनकी सोच अलग थी, और आगे जाके उन्होंने हम पे क्या किया? बिजनेस किया हमारे साथ? नहीं, राज किया हम पे? नहीं मित्रों, राज भी नहीं, लूटा हमको, लूटा। इन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया ना,
वो हमारी पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर, समृद्ध, विशाल और खुशहाल ऐसी खेती की व्यवस्था को डिमोलिश कर दिया। हमारे गांव अपनी हर जरूरत के लिए आत्मनिर्भर थे। हमारे देश में 12 बलूतेदार सिस्टम थी, जो कुछ चाहिए वो गांव में मिल जाता था। गांव को बहुत कम चीजों के लिए बाहर जाना पड़ता था, और ये पूरी व्यवस्था अंग्रेजों ने तोड़ दी। मित्रों, क्या आज हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है? आज आप अगर शांति से सोचो तो हजारों ऐसी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट आप ले रहे हो, वो आपको बेच रहे, पैसे भी कमा रहे, मगर वो पैसे विदेशों में जा रहे। एक बहुत अच्छी बात है, वो है गूगल। अगर हमको रास्ता पूछना है तो हम किसको पूछते हैं? गूगल मैप को। अगर हमारे मन में कोई प्रश्न आया तो हम गूगल पे जाते हैं। हम अमेजोन से माल खरीदते हैं। मगर मित्रों, मुझे सच बताओ, क्या ये एक प्रकार की गुलामी नहीं है? हम कहीं ना कहीं फिर से गुलाम हो चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 के हम सब गुलाम हो चुके हैं। तो क्या करें मित्रों? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम ये सब कर सके और हम अपने लोगों को, हमारे देशवासियों को, हमारे परिवार से जुड़े और जुड़ने वाले लोगों को एक खुशहाल जिंदगी जिसमें उनकी जरूरत की सारी चीजें उनको मिल जाए, क्या हम ये दे सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छा कर सके, चाहे वो आरोग्य के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे धरती माता और पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना हो, चाहे हमारे भूखे लोगों को अन्न खिलाना हो। तो ये सब अगर हमको करना है तो क्या कोई ऐसा रास्ता है मित्रों कि जिसमें ये सब हो सके? डू वी हैव सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स? बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए, प्रॉब्लम का हिस्सा ना बनिए। और आज मुझे खुशी और गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे पास वो सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है MSS, MCL सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप, न्यू सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप। ये स्टार्टअप का युग है और हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई अपॉर्चुनिटी मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड के द्वारा। तो सबसे पहले जानते हैं MCL के बारे में। मित्रों, MCL की जर्नी की शुरुआत 2012 में हुई। अभी कुछ ही दिन पहले MCL की 12वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई। जब कंपनी शुरू हुई थी तब उनका 10 लाख पेडअप कैपिटल और 1 करोड़ ऑथोराइज कैपिटल था। फिर आगे चलते हुए कंपनी ने धीरे धीरे काम किया और हमारा पेडअप कैपिटल 1 करोड़, ऑथोराइज कैपिटल 10 करोड़ हुआ। 2021 में कंपनी ने अपना पेडअप कैपिटल 10 करोड़ और ऑथोराइज कैपिटल 100 करोड़ किया। इट्स अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। 12 साल हो चुके हैं, 12 AGM मतलब 11 साल हो चुके हैं। कंपनी सेट, वेल सेट एंड एस्टेब्लिश। इस जर्नी में बहुत लोगों ने एमसीएल को कहा ये तो कल बंद हो जाएगी, परसों चली जाएगी, नरसों चली जाएगी, तरसों चली जाएगी। अरे भाई, ना गई और ना जाएगी। एमसीएल बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, और अब तो कंपनी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि एमसीएल अब तूफान मचाएगी। मित्रों, एमसीएल की टीम ये इसका हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी है। और अगर कंपनी का नाम बोलूं मैं, मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड, यानी मीरा माता, डॉक्टर श्याम सर की माता, हमारी कंपनी का नाम उनके नाम से रखा गया है। हम भी उनको मातृतुल्य ही मानते हैं और वो हमारा आदर से उनको मैं वंदन करता हूँ। डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर, जब मैं एमसीएल से जुड़ा 2017 में एंड में, तब डॉक्टर श्याम गोलब सर मुंबई के एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट पे थे। मुंबई में बैंड्रा में कलेक्टर ऑफिस का बिल्डिंग है, वहां पे 9th फ्लोर पे उनका चैम्बर था और वहीं जाके मैं उनको मिलता था। सर का एजुकेशनल कैरियर MBBS डॉक्टर, महाराष्ट्र के नंबर 1 कॉलेज से MD गायनेक में नंबर 1 आए थे और एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। कलेक्टर की पोस्ट, सम्मान, अच्छा पैकेज, सब कुछ तो था, मगर उनके अंदर एक जिद थी कि मैं जिस तरह से एक परिवार, गरीब परिवार से आया हूं, क्यों ना मैं मेरे गरीब भाइयों के लिए, किसानों के लिए कुछ करूं। और उन्होंने स्थापना की मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड की। और आज मुझे बहुत खुशी होती है यह कहते हुए कि तो मित्रों,
ये क्या हुआ? सॉरी मित्रों, बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी कठिनाई आती रहती है। तो डॉक्टर श्याम सर ने यह सोचा कि मैंने जीवन में संघर्ष किया है, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बना, अच्छी पढ़ाई करके मैं कलेक्टर बना, डेप्यूटी कलेक्टर, मगर क्या होगा उन कॉमन लोगों का जिनके पास इतना संसाधन नहीं है, क्षमता नहीं है, क्यों ना उनके बारे में सोचे। और डॉक्टर श्याम सर ने वो सोचा और आज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पोस्ट पे वो पिछली एनुअल जनरल मीटिंग में ऑफिशियली आ चुके हैं। सर के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए उनके बचपन के मित्र डॉक्टर लवेश जाधव सर, जो खुद भी एक एमबीबीएस डॉक्टर है, क्रिटिकल केयर में उनकी मास्टरी है, इंडो यूएस फेलोशिप में वो पढ़े हुए हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल जो थी प्राइवेट सेवन हिल्स, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। और इन्होंने डॉक्टर श्याम सर के साथ बचपन से कंधा मिला के साथ दिया। और डॉक्टर लवेश सर आज डायरेक्टर ऑफ एमसीएल है। उन्हीं के साथ साथ हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस प्राची ढोले मैडम, जिन्होंने बिट पिलानी से केमिकल इंजीनियरिंग किया है, मैडम गोल्ड मेडलिस्ट है, 2 बार अपनी पढ़ाई में अव्वल रहे हैं, और मैडम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोजेक्ट्स वर्क एंड ऑल्सो ऑल द टेक्नोलॉजिकल कंसर्न ऑफ मीरा क्लीन सोर्स लिमिटेड। इस तरह की टीम, ये वो टीम है जिन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया। अगर पैसे के लिए काम किया होता तो आज ये कंपनी में फॉरेन की कंपनियों का हजारों करोड़ का निवेश होता और ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 बन गई होती। मगर इन्होंने कभी उस दिशा में नहीं सोचा, इन्होंने एक ही सोचा, भले संघर्ष हो, भले कठिनाई आए, भले समस्या आए, भले लोग हम पे शक करे, बुरा भला कहे, मगर हम हमारे लक्ष्य को कभी नहीं चुकेंगे। और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं इस जबरदस्त विजन मिशन को लाने के लिए। अगर मैं आगे बात करूं इससे, तो एमसीएल की अपनी एक जबरदस्त टीम है। यह है मिस्टर मंगेश सेलार सर, वाइस प्रेसिडेंट एमसीएल, और यहां पे मैं एक फोटो मिस कर रहा हूं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ ऑफ एमसीएल धीरज सर, धीरज गवाई सर, ये दोनों व्यक्ति, इनके साथ पूरी एमसीएल की टीम जिसमें संदीप सर से लेके सलाका मैडम, राहुल सर, 125+ लोगों का एमसीएल का अपना एक स्टाफ है, जिसमें हर प्रकार के इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट और पूरी टीम, पूरी व्यवस्था आपके लिए बनाई गई। और इसी के साथ साथ सीनियर प्राइम BDA 12 जो हमारी तरह है, और ये है एसएस के भारत की टीम, पूरे देश में फैली हुई है और एमसीएल के विजन मिशन को पूरे देश में ले जाने के लिए टीम काम करती है। हम सब मिलके लिए आपके लिए एक जबरदस्त मौका लाया है, बिजनेस करने का, एक सम्मानजनक जीवन जीने का और उच्चतम शिखर पे पहुंचने का। तो आइए जानते और समझते हैं कि एमसीएल के बिजनेस क्या है। एमसीएल का पहला बिजनेस है बायो सीएनजी। मित्रों, बायो सीएनजी में हमने बहुत काम करने की कोशिश की, मगर कुछ समय हमें बहुत संघर्ष हुआ, कुछ चीजें हमारी फेल हुई, कुछ गिनतियां टूटी, मगर ये कौन से बिजनेस में नहीं होता। मगर फिर हमने पिकअप किया, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की और आने वाले 10 अगस्त तक 5 से लेके 25 बायो सीएनजी की फैक्ट्रियां प्रोडक्शन में लाना, ये एमसीएल का लक्ष्य है। और अलग अलग जगहों पे बायो सीएनजी फैक्ट्री का काम चल रहा है, आने वाले 2 से 3 महीनों में ये काम बहुत तेजी से चलेगा। दूसरा जो हमारा बिजनेस है वो है बायो कोल, रिप्लेस ट्रेडिशनल कोल विद बायो कोल। मित्रों, आज की दुनिया के सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का कारण है कोल, और ये रिप्लेस करे अगर बायो कोल से, जिसका रॉ मटेरियल किसान देंगे, तो किसानों के घर में पैसे जाएंगे, और ये हमारा दूसरा बिजनेस है। तीसरी इंडस्ट्री है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और चौथी है एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो आओ एक एक चीजों को समझते हैं। यह है एमसीएल का अपना कोलाड प्लांट का फोटो। हमने R&D किया, हमने प्रोडक्ट डेवलप किया, हमने यहाँ पे सीएनजी बनाया, गाड़ियों में भरा और हमने ट्रायल किया, बट अभी हमने इसको बंद रखा है। अब हमारे कोशिश है हर तालुका में जहां हमारे काम चल रहे हैं वो प्रोजेक्ट चालू हो, और तब दुनिया को पता चले कि एमसीएल सीएनजी में क्या कर रही है। और एमसीएल के सीएनजी के प्रोजेक्ट आने वाले समय में एक यूनिक प्रोजेक्ट होंगे, फुल्ली ऑटोमेटेड होंगे और एकदम अद्भुत सिस्टम से बने होंगे। दूसरा है बायोकोल।
मित्रों, बायोकोल इज अ नीड ऑफ टाइम, और ये हमारा दूसरा बिजनेस है। अलग अलग जगहों पे एमसीएल के बायोकोल फैक्ट्रियों के काम जोरों से शुरू नहीं है। 22 साइट ऐसी है जहां पे सारे मशीनरी जा चुके हैं, और 6 साइट ऐसी है जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें से एचएम पाटीदार बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड लाडनून मोहन बडोडिया, और लाडनून में हमारे सुरेश बगरवाल जी की साइट ऐसी है जहां से माल बन भी रहा है और बिक भी रहा है। तो मित्रों, अब हम प्रोजेक्ट का शुभारंभ आरंभ है प्रचंड नहीं कर रहे, अब हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए है। और ये है कुछ वीडियो जो देखने पे आपको कोल का प्रोडक्शन कैसे होता है ये पता चलेगा। ये मशीन्स होती है ब्रिकेट की, जो 60 mm 90 mm के होते, और रिसेंटली हमने फोकस किया है पैलेट पे जो 6 mm और 8 mm के होते हैं। और इस तरह से हम अब बायोकॉल इंडस्ट्री में जोरों से आगे बढ़ रहे हैं। ये बाजू में जो लंबा सा व्हाइट कलर का देख रहे हो ड्रायर है, क्योंकि गीला अगर आता है उसमें मॉइस्चर होता है तो उसको श्रेडिंग कटिंग करके ड्रायर में सुखा के हम इमीडिएटली उसको प्रोडक्शन में ला सकते हैं। और ये जो राइट का फोटो आप देख रहे हो, ये है ब्रिकेट जो कोयले का रिप्लेसमेंट है, इंडस्ट्रीज में जाता है और इंडस्ट्री की ये बहुत बड़ी जरूरत है। मगर इससे भी बड़ी जरूरत और जो मार्केट है वो है पैलेट की। क्यों, वो मैं बताऊंगा। तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एमकॉल इज द पीपल, नॉट ओनली इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ एंटायर वर्ल्ड। और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर एक कोल की फैक्ट्री लगती है तो कम से कम 1 लाख रुपया पर डे का प्रॉफिट होता है। 4 टन नेपियर गैस 4,000 रुपया टन, ट्रांसपोर्ट कटिंग ये वो सब पकड़े तो 2,000 रुपया, 6,000 रुपये का प्रोडक्शन कॉस्ट। एमआरपी इसमें मैंने 15 लिखा है, बट आज ही हमने एमआरपी डिसाइड किए, हम 18 रुपये पे कोल बेचेंगे। यस, ब्रिकेट में हमको चैलेंजेस आई, मगर जब हम पैलेट की बात कर रहे हैं तो पैलेट का मार्केट बहुत बड़ा है, उसकी रेट भी अच्छी है, और हम पैलेट को कुकिंग में ला रहे हैं। तो अगर आप एमसीएल के साथ जुड़ोगे और आपकी एक कोल की फैक्ट्री 2-3 साल में लगेगी, तो भी आपका प्रॉफिट 30-40-50 लाख रुपया पर ईयर आराम से होगा। और एमकॉल एज अ पोटेंशियल मार्केट ऑफ ₹100 लाख करोड़ एवरी ईयर, इतना बड़ा मार्केट है। और अगर हम सब काम करें तो ये चमत्कार हो सकता है जो वीडियो आप देख रहे हो। वी कैन रिप्लेस एलपीजी इन इंडिया, कुकिंग में अगर हम कोल से रिप्लेस करें तो ये डिपेंड अपॉन कमर्शियल 50% से लेके 30% तक का ईंधन में सेविंग होता है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे करोड़ों रुपए कोल में और विदेशों में ईंधन में जाते हैं, एलपीजी में, वो सारे पैसे हम बचा सकते हैं। ये कोई झूठा वीडियो नहीं, ये एक्चुअल वीडियो है, ये हमारी अलग अलग साइट के वीडियो है, ये आप खुद जाके देख सकते हो। और दिस इज गोइंग टू रिप्लेस एंटायर एलपीजी कुकिंग इन इंडिया एंड वर्ल्ड। दूसरा हमारा सेक्टर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। मित्रों, हम सब कैंसर खा रहे हैं, कैंसर पी रहे हैं, हम बदनसीब नहीं है इसलिए हमको कैंसर नहीं हुआ है, हमको ऊपर वाले की माता पिता के आशीर्वाद और कृपा होगी तो हम बचे हुए हैं। बट मुझे बताओ, क्या आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि आपको कभी कुछ नहीं होगा बीमारी? क्योंकि आज हम केमिकल फूड खा रहे हैं, जो दवाइयां जो पेस्टिसाइड इसमें गिर रहे हैं, इट्स वेरी हार्मफुल। अगर आप यूट्यूब पे चले जाओ और कैंसर ट्रेन का वीडियो देखो तो आपको पता चलेगा कि क्या हालत है। इस कैंसरस फार्मिंग को, केमिकल फार्मिंग को 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिप्लेस करना यह एमसीएल का लक्ष्य है। और इसके लिए आने वाले 2 से 3 महीने में हम बायो फर्टिलाइजर और बायो सर्टिसाइड भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे कि आप सब कैंसर मुक्त भोजन, सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन, ताकत वाला भोजन पाओ, और वो दवाई मारने में जो मेरे किसान भाइयों के शरीर में जहर जा रहा है ना, वो भी बंद हो जाए, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एमसीएल सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, मगर हमारे एम स्टोर रेडी है और आने वाले समय में वो हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मित्रों, इसी के साथ साथ जो मैंने आपको बताया ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2, इसको रिप्लेस करना भी हमारा लक्ष्य है। आज मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, आप में से बहुत लोग लक्स साबुन वापरते होंगे, मुझे बताओ कौन सी कंपनी बनाती है साबुन? यस, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नहीं, हिंदुस्तान लीवर। दूसरा पियर साबुन, हिंदुस्तान लीवर। डव साबुन,
हिंदुस्तान लीवर। अरे साबुन बनाने में कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये हम नहीं कर सकते क्या? टूथपेस्ट किसका वापर रहे हो? कपड़े किसके वापर रहे हो? जूते किसके वापर रहे हो? अरे हम गुलाम हो चुके गुलाम। एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे बहुत अच्छा काम किया, कोई उससे समर्थन में हो या विरोध में, मगर वो कंपनी है पतंजलि। उसी तरह से एमसीएल, एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश में एमएसपी लॉन्च करने जा रही है। हमारा आज अलग अलग 100 प्रोडक्ट पे काम चालू है, जिसमें से 16 कैटेगरी के 30 प्रोडक्ट हमारे पूर्ण रूप से तैयार है। जिस दिन शाम सर ने कहा उस दिन हम इसको लॉन्च कर देंगे, मगर उसके पहले हम कुछ और करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, ऑर्गेनिक फूड, बायो पेंट, एडेसिव, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट। आज प्लास्टिक कितनी बड़ी समस्या है, जमीन को खत्म कर रहा है, पर्यावरण को खत्म कर रहा है। अरे माता के दूध में भी प्लास्टिक पार्टिकल मिल रहे हैं, आकाश के बादलों में भी प्लास्टिक पार्टिकल मिल रहे हैं। हम किस दुनिया में चले गए? बर्बादी की ओर जा रहे हैं हम। इस प्लास्टिक को बायो प्लास्टिक से रिप्लेस करना, ये भी हमारा लक्ष्य है, और ये सब काम हम आपके साथ कर रहे हैं। यू कैन बिकम एन एंटरप्रेनर विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट। मैंने आप सबको बताया, डॉक्टर श्याम सर एक आम परिवार से आते हैं, तो उनका लक्ष्य था कि आम आदमी भी उद्योजक बने, और आम आदमी के पास कभी करोड़ों रुपए नहीं होते बिजनेस लगाने को। तो आपकी जर्नी एमसीएल के साथ शुरू होती है। पहला स्टेप, बुक अ एमसीएल प्रोजेक्ट इन तालुका और ब्लॉक विथ ओनली ₹10 लाख, दैट इज एज अ प्रोजेक्ट फीस, और वो भी रिफंडेबल। अगर किसी कारण आपका मन बदल जाए, 5% काट के आपको पैसा वापस मिल जाएगा। ये क्यों? क्योंकि 5% इसलिए रखा है कि कोई टाइम पास के लिए ना आए, मगर एक बार जो एमसीएल में आएगा, अब पहले हुए संघर्ष, मगर अब जो आएगा वो कभी एमसीएल से वापस नहीं जाएगा। यहां से आपकी जर्नी की शुरुआत होती है। इसके लिए आप फॉर्म भरते हो, आपका इंटरव्यू होता है मैनेजमेंट के द्वारा। अगर आप सुटेबल कैंडिडेट लगे तो ही आपका सिलेक्शन होता है, नहीं तो आपको ना कह दिया जाता है। तो यहां से आपकी जर्नी की शुरुआत होती है। उसके बाद आप एक प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप कंपनी बनाते हो। स्टार्टअप का जमाना है, मगर एक किसान के बेटे को, आम आदमी को कहाँ पता है स्टार्टअप क्या होता है। एमसीएल आपको गाइड करती है, एमसीएल के कंसल्टेंट, बीडीए, सीनियर बीडीए आपको गाइड करते हैं, और आपकी स्टार्टअप कंपनी बनवा के देते हैं, जिसमें आपका 10% स्टेक आजीवन रहेगा, बाकी कुछ एमसीएल का और कुछ जो हमारा भविष्य का फंड रेजिंग प्लान है उसका प्रोविजन है। इसी के साथ साथ हमारे बीडीए, सीनियर बीडीए और हमारे एमवीपी को भी हम कुछ ना कुछ स्टेक इन कंपनी में से देने जा रहे हैं। मित्रों, ये स्टार्टअप का जमाना है। आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, एक एक स्टार्टअप कंपनी जो ₹10, ₹20, ₹100 के वैल्यू से शुरू हुई, वो आज दो दो, पांच पांच, सात सात, दस दस हजार करोड़ की कंपनियां हो गई है। तो ये आपके साथ एमसीएल करने के जा रही है। ये आपका सेकेंड स्टेप है। आपको एक ऑफिस खोलनी है, कंपनी बनानी है, तो इस ये सब मिला जुला के आपको 10 प्लस 5, अधिक से अधिक ₹15 लाख के निवेश की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपको अपने तहसील में एमवीपी और शहरी एरिया में एमयूपी बुक करने हैं। ये एमवीपी और एमयूपी ₹1.5 लाख से बुक होते हैं। इसका मैं एक अलग से प्रेजेंटेशन कल लेने वाला हूँ, वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बट ये एमवीपी गांव में प्रोडक्ट बेचेंगे, ये एमवीपी गांव में बाकी की सर्विसेज देंगे, ये एमवीपी उस गांव का प्रोडक्ट एमसीएल को देंगे, ये एमवीपी के माध्यम से हमारा रॉ मटेरियल बायोमास और नेपियर गैस हमको आएगा, और ये सब में एमवीपी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, जो 5% से लेके 20% तक डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट हो सकता है, 30% भी कहीं कहीं हो सकता है। और ऐसे एमवीपी 1.5 लाख के, उनको एमएसएस कंपनी के शेयर तो मिलेंगे ही, जिसकी भविष्य की वैल्यू 15 लाख से लेकर 1.5 करोड़ हो सकती है। मगर जुड़ने के बाद जब वो प्रोडक्ट से शुरू करेंगे अगले 5-6 महीने में, 15,000 पर मंथ से लेके धीरे धीरे 2-2.5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे जाएंगे। मतलब आपके कारण आपके तहसील के कई एमवीपी के घर में खुशहाली आने वाली है। मित्रों, इसके बाद आप एमएसपी प्रोडक्ट खुद अपने तहसील में प्रमोट करोगे एमवीपी के माध्यम से, और आपकी भी जबरदस्त इनकम आएगी। अगर एक गांव में समझो 300 घर है और एक घर ₹1,000 का माल लेता है, तो भी हमारा 3 लाख का माल एक गांव में बिकता है हर महीने। 1.5 करोड़ का माल हमारा जो बिकता है वो
तहसील में बिकता है और उसका 5% भी आए ना तो भी 7.5 लाख रुपया पर मंथ होता है दोस्तों। मैं तो एकदम छोटी बात कर रहा हूं, इससे कई गुना ज्यादा आपको मिलना है। ये आपका भविष्य है एमसीएल के साथ। इसी के साथ साथ आप जैसे ही 60% एमवीपी और एमवीपी बुक कर लेते हो, आप क्वालिफाइड हो जाते हो एमसीएल के तालुका की कोल फैक्ट्री बनाने के लिए। इसके साथ साथ आपको गांवों में सैटरडे सेशन लेके अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, और अगर आप ये करते हो तो आपको सिर्फ 2 से 3 एकड़ जमीन एनएयर फैक्ट्री परमिशन के साथ अरेंज करनी है। इसके अलावा ऑल अदर अरेंजमेंट फॉर एम कोल फैक्ट्री विल बी डन बाय एमसीएल इन नेक्स्ट 12 to 24 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्राइटेरिया एज पर मेंशन इन द एग्रीमेंट। आप जब तालुका बुक करते हो आपको एग्रीमेंट दिया जाता है, आप बुक करने के पहले वो एग्रीमेंट लेके पढ़ लेना। उसमें लिखा गया है टाइम, उसके एनेक्चर में टाइम लिखा गया है, और उस तरह से आपकी फैक्ट्री लगाने की जिम्मेदारी एमसीएल लेती है। उसमें 2 करोड़ लगे चाहे 20 करोड़ लगे, वो आपकी चिंता नहीं है, वो एमसीएल व्यवस्था कर रही है, और ये एमसीएल आप लोगों के कर रही है मित्रों। इसी के साथ साथ आपकी स्टार्टअप कंपनी जो है, एमसीएल विल लिस्ट योर स्टार्टअप कंपनी इन आईपीओ इन द स्टॉक मार्केट। आने वाले 3 से 7 साल आप धमाचकड़ी देखोगे, हजारों एमसीएल की सपोर्ट वाली कंपनी आईपीओ में आएगी। 1 रुपए का शेयर आपका अगर 10% शेयर होगा, इक्विटी जाएगी 10 से 15 करोड़ की, और 10 करोड़ में 10% आपका यानी उद्योजक का होगा जिन्होंने सिर्फ 10 लाख रुपए दिए हैं। 1 करोड़ शेयर अगर आपके हैं और वो सिर्फ 100 रुपये होते हैं ना मित्रों, तो आप 100 करोड़ के मालिक होते हो। एक किसान का बेटा कभी सोच सकता है कि मैं 100 करोड़ का मालिक होगा? एक आम आदमी कभी यह सोच सकता है कि मैं 100 करोड़ का मालिक होऊंगा? और अगर ये शेयर 5 से 10 साल में आप अच्छा काम करेंगे, आपकी टीम अच्छा काम करेगी, हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे, तो 1,000 रुपये पर शेयर जाएगा तो आपका 10% 1,000 करोड़ की वैल्यू का हो सकता है। हो सकता नहीं है, ये होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी ऐसी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जो बटन बनाती है, जो धागे बनाती है, और उनकी करोड़ों की वैल्यूएशन है। तो हम तो ईंधन बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, हमारा तो बाय डिफॉल्ट होगा, और ये शुरुआत एमसीएल आपके साथ कर रही है। इस तरह से मित्रों आपकी जर्नी बनने वाली है, और यू विल बिकम वर्थ ऑफ ₹100 to 1,000 करोड़। सिर्फ थोड़ा सा धैर्य, हिम्मत, मेहनत, कमिटमेंट और प्रामाणिकता के साथ चलना है। अगर ये आप चलोगे तो एमसीएल ने ऐसा रोड मैप और व्यवस्था बना के रखी है कि आप सब बाय डिफॉल्ट इस मंजिल पे पहुंचोगे मित्रों। सो जॉइन द जर्नी। सो फार 22 ऐसे राज्य है जिसमें 325 जिलों में 1200 तहसील या ब्लॉक बुक हो चुके हैं। अब सिर्फ 4,000 ब्लॉक या तहसील पूरे इंडिया में पेंडिंग है। अब जब हम आने वाले समय में हमारा काम, हमारा रिजल्ट जो दुनिया को दिखेगा, तो कुछ ही महीनों में ये सारे बुक हो जाएंगे। सो डोंट मिस द चांस एंड बुक योर तालुका, बुक योर ब्लॉक, एमसीएल सस्टेनेबल स्टार्टअप कंपनी। अपना भी भविष्य बनाओ, अपने लोगों का भविष्य बनाओ। वी कैन प्रोवाइड कोल टू द वर्ल्ड। दुनिया की कोल की जरूरत का 20% भारत दे सकता है, क्योंकि हमारे पास इतना बायोमास है, हमारे पास वो वातावरण है, वो जमीन है, वो पानी है, वो मैन पावर है कि हम नेपियर गैस चाहे उतना उगा सकते हैं। हमने बहुत सारी सरकारों के साथ एमओयू किए, ये राइजिंग हिमाचल एमओयू है, ये मैं बैठा हूं, मेरे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वहां पे स्टेज पे। राइजिंग हिमाचल एमओयू के पेपर आर्टिकल, राजस्थान एलओआईएन एमओयू, ये आप देख रहे हो, राजस्थान के पेपर आर्टिकल, वाइब्रेंट गुजरात के एमओयू, वाइब्रेंट गुजरात के मंत्रियों के साथ मेरी मीटिंग, न्यूज चैनल पे हमारे इंटरव्यू आए, ये भी आप देख ही लो। आई नीड टू इंक्रीज वॉइस, 1 मिनट होल्ड कीजिए मित्रों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्वेस्टर्स को जो है आश्वासन दे दिया है। हमारे साथ यहाँ पर इन्वेस्टर्स मौजूद है, जिस तरीके से हम आगामी समय में बढ़ रहे हैं, रिन्यूएबल गैस की जरूरत है हमको, और हमको जो है सस्टेनेबल चीजों पर पढ़ने की जरूरत है। हमारे साथ यहाँ पर जो है कार्तिक रावल जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, किस तरीके से जो है मध्य प्रदेश एक बेहतर स्टेट है, एक सरप्लस स्टेट है इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
सबसे पहले तो इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इसका आज आयोजन हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर आए हैं। हम मुंबई से आए हैं और कंपनी इज मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड और हम मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बायो सीएनजी सीबीजी प्रोजेक्ट्स और बायो कोल ये दोनों प्रोजेक्ट्स के ऑलरेडी काम कर रहे हैं और फर्स्ट फेज में जो हमारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है दैट इज अराउंड 900 करोड़ रुपीस और ये प्रोजेक्ट्स में से कुछ प्रोजेक्ट्स बायोकोल के बाय फरवरी इट विल बी अंडर प्रोडक्शन। 900 करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी बात है। ऐसा क्या है मध्य प्रदेश में जो कि 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप सीधा पहली बार में आके कर रहे हैं? अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो देर आर टू टाइप ऑफ फ्यूल, मतलब एक एनर्जी होता है और एक बायोफ्यूल होता है। बायोफ्यूल के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो होता है बायोमास और बायोमास में भी जो हमारा रॉ मटेरियल है वो है नेपियर ग्रास। ये नेपियर ग्रास किसान उगाएंगे और ये जमीन यहाँ की बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट बहुत अच्छा है और क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट जहाँ पे होता है वहाँ पे काम करना आसान होता है और हमारा जो रॉ मटेरियल है वो विपुल मात्रा में हमको यहाँ से मिल सकता है। सो अवर फर्स्ट टारगेट इज मध्य प्रदेश एंड देन उत्तर प्रदेश। बीच में है देखिए ये प्रदेश और अब इन्वेस्टर समिट है, मुख्यमंत्री ने कह दिया है जो जमीन चाहिए वो हम देंगे, कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के इस आश्वासन को? अगर शिवराज सिंह जी चौहान की बात करें तो बहुत ही अनुभवी मुख्यमंत्री है, 20 साल से ऊपर उनको हो चुके हैं मुख्यमंत्री बने हुए, चौथा टर्म है उनका और जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश को विकास की ओर ले गए वो अपने आप में एक करिश्मा है। अगर इंदौर की बात करें तो स्वच्छ इंदौर आज पूरे देश में अव्वल है तो उनका नेतृत्व अपने आप में जबरदस्त है और उनके नेतृत्व में जिस तरह से पॉलिसी बन रही है, जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, इससे हम काफी प्रभावित है और इसलिए पहली बार हमने 3 महीने पहले मध्य प्रदेश में काम की शुरुआत की। अब इन्वेस्टर समिट में हमने ऑलरेडी प्रपोजल दे दिया जो एक्सेप्ट भी हो गया है और आने वाले समय में हम अगले 3 साल में कम से कम 50 बायो सीएनजी के और टोटल 250 बायोकोल के अराउंड 3000 करोड़ रुपीस का और इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो शुभम, आपने देखा ये जो इन्वेस्टर्स हैं ये पूरी तरीके से तैयार हैं मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर मैं आपको इन्वेस्टर्स की जो है तादाद दिखाना चाहूंगी कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, दुनिया के सबसे साफ शहर यानी कि नंबर वन शहर इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक बेहतरीन आगाज हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम स्थल यानी कि बीसीसी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर और ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इस कार्यक्रम का बेहतरीन आगाज हुआ है। कुछ इन्वेस्टर मेरे साथ यहाँ पे डेलीगेट्स मौजूद हैं, आप लोग यहाँ आए हैं आपका स्वागत है। क्या लगता है इस इन्वेस्टर समिट के बाद मध्य प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टमेंट देखने को आएगा, आप लोग कहाँ से आए हैं और आपकी क्या रुचि है? सबसे पहले तो आज इन्वेस्ट मध्य प्रदेश 2023 ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हो रहा है ये अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है और इसके तहत हम मुंबई से आए हैं। हमारी कंपनी है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड जो बायो सीएनजी और बायो कोल के प्रोजेक्ट्स लगा रही है। हमारा जो निवेश है पहले फेज में 15 बायो सीएनजी के और बायो कोल के प्रोजेक्ट, टोटल 900 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे उद्योजक मध्य प्रदेश से खड़े हुए हैं सारे, जहाँ पे प्रोजेक्ट्स के काम चल रहे हैं और बाय फरवरी हमारा पहला बायो कोल का प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में आ जाएगा। और मित्रों, ये दो वीडियो आपने देखे मगर ये फोटो अपने आप में एक इतिहास रच गया। मेरे साथ में शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के साथ मनोज पाटीदार जी है जो कि मोहन भदौड़िया तहसील शाजापुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से है। ये किसान का बेटा है और इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफ आई, बहुत कठिनाई आई, फैक्ट्री लगाने के पहले आई, फैक्ट्री लगाने के बाद आई, अभी भी चैलेंजेस है मगर अलग प्रकार की चैलेंजेस है। मगर ये किसान के बेटे को मुख्यमंत्री के हाथों प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश अवार्ड ये मिला और ये उसका पेपर कटआउट भी है और ये एक्चुअल आप इमेज भी देख सकते हो, ये वीडियो भी है मेरे पास। बहुत धन्यवाद।
आई थिंक इट इज टेकिंग टाइम टू लोड, तो इसको मैं ड्रॉप करता हूँ। मगर शिवराज सिंह जी भी बहुत प्रभावित और प्रसन्न हुए थे कि किसान का बेटा मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी काम कर रहा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज की सबसे अच्छी बायोफ्यूल पॉलिसी दो राज्यों में मैंने देखी है, एक राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में भी हम गए थे, वहां पे हमारा एमओयू हुआ है और वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जरूर, अगर वो वीडियो मिल जाए बाई चांस तो। वो वीडियो भी लोड नहीं हो रहा है, दैट अवर एंटरप्रेनर विल शेयर विथ यू, तो आप उसे देख पाओगे। वो ट्विटर ट्विटर हैंडल, मतलब कि इन्वेस्ट यूपी का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर हमारा वो इंटरव्यू, मेरा वीडियो है। और वो सारे चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे जब उनका प्रमोशन चल रहा था तब दिखाया गया है। हु वी आर, हम कौन है, दुनिया को ज्योतिष किसने दिया, हमने दिया, आयुर्वेद किसने दिया, हमने दिया, राम सेतु किसने बनाया अच्छा हजारों साल पहले, हमारे पूर्वजों ने बनाया, योग किसने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, मंदिर निर्माण, वास्तुकला, शिल्पकला, हस्तकला, अरे क्या क्या दिया हमारे पूर्वजों ने, वी आर द सुपर हीरो ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया की 30% जीडीपी हम कंट्रोल करते थे बिफोर ब्रिटिश, मगर आज हम 2% भी कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि हमारा सारा टैलेंट, सारी चीज जो खेती पे आधारित थी उसे तोड़ दिया गया। मित्रों, वी आर चिल्ड्रंस ऑफ दिस पीपल, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु चाणक्य, भगवान श्री कृष्ण, ये हमारे आदर्श है। हमारे अंदर बहुत क्षमताएं हैं, बहुत कुछ है। जब आजादी की लड़ाई चली ना तो हजारों लाखों युवाओं ने, बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये सब वो महान लोग हैं जिन्होंने आजादी हमको दिलाई। आजादी के बाद भी बहुत लड़ाइयां हुई, बहुत कुछ हुआ और बहुत सैनिकों ने अपने जीवन की आहुति दी, जिसमें से कैप्टन बत्रा, ये मेरे आदर्श समान है, जिनका कहना था, स्लोगन था, ये दिल मांगे मोर, कारगिल वॉर, अभी डोकलाम विवाद हुआ। तो ये सब में हमको अगर एक मजबूत राष्ट्र की तरह उभरना है तो हमको साथ में काम करना होगा। इफ वी वॉन्ट टू बिकम विश्व गुरु अगेन, देन वी हैव टू वर्क विद द स्केल, एंड द स्केल इज MCL। दुनिया की कोई कंपनी नहीं है जो 150 कोल के फैक्ट्री पे एक साथ काम कर रही है। आने वाले समय में हजारों फैक्ट्री लगाने जा रही है। काम नहीं शुरू है, फैक्ट्रियां शुरू हो चुकी है, प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और ये स्केल हमारा है, ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है और ये हम करके दिखा रहे हैं। मित्रों, इट्स अ टाइम टू रूल द वर्ल्ड अगेन। फिर समय वो आ गया है कि हमको दुनिया पे राज करना है और हमारे भारत को, हमारे राज्य को, हमारे तहसील को, हमारे गांव को सुजलाम सुफलाम बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है और फिर से विश्व गुरु बनाना है। क्योंकि ये हमें किससे सीखने की जरूरत नहीं है, दिस इज इन आवर ब्लड, ये हमारे खून में है, हमारे डीएनए में है। मित्रों, जस्ट स्टैंड फॉर योर तहसील, आपके तहसील को सुजलाम बनाने के लिए, सुफलाम बनाने के लिए और एक राज्य बनाने के लिए खड़े हो। साथ मिलके चलेंगे ना तो सब कुछ करके दिखा देंगे। और एमसीएल का मिशन और मिशन क्या है, फंडा क्या है, एमसीएल ये कहता है अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो होगा जो हकदार होगा, यानी किसान का बेटा। धन्यवाद।